हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है वो है हमारे पिगमेंटेशन। हमारे स्किन पे जो पिगमेंटेशन होती है वो होती क्यों है। सबसे पहले इसका रीजन जानेंगे कि पिगमेंटेशन होती क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इससे पहले मैंने पिगमेंटेशन क्रीम के बारे में वीडियो बनाई थी और काफ़ी बार बना चुकी हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा प्यार मिला है मुझे। तो बहुत से लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इससे क्या डार्क सर्कल्स रिमूव होंगे या फिर ये कहाँ मिलेगा। इन सभी टॉपिक के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो आज का टॉपिक है क्या कि पिगमेंटेशन हमारे होते क्यों हैं, क्योंकि आजकल देखे जा रहे बहुत से लोगों को पिगमेंटेशन हो ही रहे। हिंदी में छाइयाँ झाइयाँ और इंग्लिश में पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा ऐसे भी बोलते हैं। पिगमेंटेशन होती क्यों है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि पिगमेंटेशन होती क्यों है, इसका जड़ क्या है, इसका इलाज क्या है, तो हो सकता है आपके स्किन पे कभी भी पिगमेंटेशन हो ही ना। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें पता ही नहीं होती कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो क्यों रही है। क्योंकि हमें पता नहीं होगा तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका इलाज कोई क्रीम ही है या फिर कोई मेडिसिन, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो हो सकता है आप लोग इसका ध्यान रखें, एंड अच्छे से आप ध्यान रखोगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आए ही ना। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि हमें पिगमेंटेशन हमारे स्किन पे होती क्यों है। ये बॉयज हो या गर्ल्स हो, पिगमेंटेशन सभी के स्किन पे देखी जा रही है आजकल, और आजकल बहुत ही ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब पिगमेंटेशन है क्या। सबसे पहले आप पिगमेंटेशन को पहचानो कि पिगमेंटेशन कहते किसको है। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि पिंपल्स के दाग हो रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे हो कि हमारे पिगमेंटेशन हो गई है या फिर कुछ और हुआ है, या फिर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तिल वगैरह हो जाते हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आप लोग सोचते हो पिगमेंटेशन हो गई, और आप लोग क्या करते हो, गलत मेडिसिन लेते हो। उससे क्या होता है, हमारे स्किन पे एलर्जी होती है, और एलर्जी किसी भी रूप में हो सकती है ना। और हमें ये जानने की हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमने जो लिया है वो क्या हमने सही लिया है या नहीं लिया है। तो पिगमेंटेशन हमें तब होती है जब हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, हमने डाइट का ध्यान ना रखा हो। बोला है कि ये प्रॉब्लम बॉयज को भी है, ठीक है, जेंट्स को भी हो सकते हैं, लेडीज को भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लेडीज को ही होंगे। टेंशन जेंट्स को भी होते हैं एंड लेडीज को भी होते हैं, ठीक है। उन्होंने किस तरह से अपने टेंशन को लिया और उसको किस तरह से कोशिश की कि हमें ये टेंशन को थोड़ा सा खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी जो सोल्यूशन है ना, वो है आपका खुश रहना, आपको हैप्पी रहना बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और जो प्रॉब्लम्स है उनको ज्यादा नहीं लेना। अगर आपने ज्यादा ले लिया, आपने रात भर सोचते रहे, आपको नींद नहीं आई, उसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जरूरी है कि आप जो भी काम करते हो उसके एक आप टाइम बना लो, एक टाइमलाइन बना लो कि इतना टाइम में मुझे ये काम खत्म करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। और इसके बाद का जो टाइम है, जो सोने का टाइम होता है जितना, वो भी मुझे क्लियर करनी है, उतने टाइम में मुझे नींद जो है वो पूरी करनी ही है। आपको ये टाइमलाइन बनाने ही होंगे। हम काम को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, हम अपने लिए टाइम देना मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को फॉलो करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, और कई बार मुझे वीडियो बनाते एडिट करते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसको आपको मैनेज भी करना होगा। हो सकता है आप लेट सो रहे हो, जिस टाइम में आपने सोचा है कि मुझे सोना है उस टाइम में आप नहीं सो रहे हो। अगर आप एक दो घंटे लेट हो तो आपको उस टाइम को आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा आपको लेट भी उठना होगा, ठीक है। तो आपको ये एक सोल्यूशन हो गया कि आपको ये करना है। दूसरी ये है कि हम जानते हैं कि हमें जो पिगमेंटेशन है होती कब है। एक रीजन मैंने बता दिया,
एक रीजन मैंने बता दिया कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, दूसरा हो सकता है कि आपकी डाइट सही नहीं है, तीसरा हो सकता है कि आपको थायराइड है। थायराइड से भी हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स होती है। जब भी हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। और मेडिसिन हम जब लेते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो एक साइड इफेक्ट होती है, एक से जैसे फायदा होता है तो एक साइड इफेक्ट होता है, ये होता ही होता है, ठीक है ना। तो जब हम मेडिसिन लेते हैं तो आपको ना फिक्स करना है पहले कि इस प्रॉब्लम के लिए मेरे लिए ये मेडिसिन है, वो सूट करिए, उसकी एक टाइम बनाना है आपको, और उस टाइम में आपको वो मेडिसिन लेनी है। ये नहीं कि जिस टाइम में हमें लेनी है उसके 2 घंटे बाद ले, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा होता है। तो आपको एक टाइमलाइन बहुत जरूरी है, प्रॉपर टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, है ना। ये एक हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर इन सभी चीजों का प्रॉब्लम है तो हम आगे फेस नहीं कर सकते हैं, आगे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जिनके थायराइड है, पिगमेंटेशन, उनको भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी अवस्था में बहुत से लेडीज को ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, जो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा, छाइयां, झाइयां, आप जो मर्जी बोलो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, कहते हैं ना, ये होना ही है। तो ये प्रॉब्लम को समझना है, आपको परेशान नहीं होना है और टेंशन नहीं लेनी है, जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे और 2 गुना बढ़ के हो जाए। तो प्रेगनेंसी अवस्था में भी छाइयां हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जब हो जाती है तो उसे खत्म करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उस टाइम में भी छाइयां हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारा जो हार्मोन्स है, ठीक है, कभी हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे डाउन अप होते रहते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे वो इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये सभी कारण है पिगमेंटेशन होने के, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, आपको डाइट प्रॉपर लेना है, आपको सैलेड ज्यादा खाना है, आपको वाटर ज्यादा पीना है, आप मिल्क ज्यादा पी सकते हो, जूस पी सकते हो, और कोशिश करना है जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको आप, मतलब कि थोड़ा बहुत जो हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे कि कैबेज होती है, उसे हम सैलेड में ऐड करके खा सकते हैं, है ना, खा सकते हैं, जो खा सकते हैं वो उसको कोशिश कीजिए आप कि हम उसे ले डाइट में। और अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि आप खा सकते हो, थोड़ा कच्चा खाने की कोशिश करो तो आपने सारी सब्जियां उठा के ले ली और कच्चा खाने स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कैबेज है उसे हम सैलेड में खाते हैं, और कुकुम्बर है वो भी हम खा लेते हैं। तो ऐसे ही आपको सोचना है कि ऐसा क्या है जो हम ऐसे खा सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहता है, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होती है, ठीक है ना। तो आपको ये कोशिश करना है, सबसे ज्यादा आपको पानी पीना है, डाइट अच्छा लेना है, टाइम से मेडिसिंस लेने हैं, उसके बाद आपको मिल्क जूस जो लेना है वो ले सकते हैं, फ्रूट्स भी आप ऐड करो, फ्रूट्स आपको डेली के डेली ऐड करना है। आप एक एप्पल खा सकते हो, एक ऑरेंज खा सकते हो। एप्पल से आपको क्या होगा, एप्पल से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो ऑरेंज, अगर आप ऑरेंज लेते हो तो आपकी स्किन ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग रहेगी, ये आपको डाइट में जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी इसी टॉपिक के ऊपर थी कि आपको जो हम सभी को, आपको ही नहीं हम सभी को जो पिगमेंटेशन होती है वो होती क्यों है, ये कारण मैंने आज बताया है। आप इन सभी को फॉलो करो तो पिगमेंटेशन अभी अगर थोड़ा है तो बढ़ने से उसे हम रोक सकते हैं। इन सभी चीजों का हमने ध्यान रखा तो हम उसे आगे बढ़ने से हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए। और आज की वीडियो तो यही थी, आई होप आप लोगों को हेल्प मिला होगा, कुछ जान के आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बगल में घंटी है बेल आइकन के उसे प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको जाए, ओके। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।